सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अपने बारे में बताती चलूँ फ्रेंड्स, तो मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, तो हो जाते हैं रेडी। आज हम लोग जा रहे हैं बाजार और साथ में साईं के लिए दवाई भी लेनी है, बिकॉज उसको थोड़ी सी खांसी हो रही है। तो चलो मैं कहा चेक करवा लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो मैंने कपड़े कुपड़े सारे धो दिए सुबह ही, क्योंकि आज संडे वाला दिन है। आज मौसम थोड़ा सा ठीक है बाहर, गर्मी थोड़ी सी कम है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी गर्मी में निकलने की। और आप लोगों को बता देते हैं बाहर का व्यू, उसके बाद हो जाऊंगी मैं रेडी, ठीक। ये है बाहर का व्यू, मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए, ये देखो ऊपर तक। और मेरे रूम के पास से कुछ इस तरह का नज़ारा है, हल्के हल्के बादल भी हैं, ठीक है। और धूप में देखना कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेरी आंखों में आ जाता है पानी, इसलिए मैं रूम के अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पर लगा है फ्रेंड्स मेरा ड्रेसिंग, ठीक है। मैंने ये वाले कपड़े आज डालने हैं, तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक। और ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अपने बाल भी कटवा दिए हुए, तो रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ओके। और साथ में मैं चाय भी पी रही हूँ यार, बट मैंने अपनी चाय, हाँ मैंने अपनी चाय ना यहाँ रखी है ड्रेसिंग के पास, तो चाय भी पीते हैं, रेडी भी होते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग बताइएगा मैं कैसी लगी, ठीक। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। साईं और साईं के पापा भी यहाँ पर, साईं के पापा तो वैसे रेडी है, बट साईं को अभी तक हम लोगों ने रेडी नहीं किया हुआ। पता नहीं क्यों ना मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब कर दिया हुआ इसने, साईं ने क्लियर ही नहीं आया। तो फटाफट से साईं को रेडी करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि फिर जल्दी आना भी, धूप काफ़ी ज़्यादा करती है ना बाहर। थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक। तो भाई फ्रेंड्स, यहाँ पर साईं के पापा कर रहे हैं साईं को रेडी, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी खा रही हूँ। और साईं और साईं के पापा की देखो फ्रेंड्स, फुली मस्ती चली है यहाँ पर। और इसने मेरा कैमरा इतना खराब कर दिया साईं ने कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। तो पहले साईं को रेडी कर लेते, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपना पर्स रेडी कर लिया हुआ है, और ये देखो साईं के पापा साईं को जूते पहना रहे हैं। तो अब भाई फ्रेंड, थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, और मेरे बाल भी सूख गए हुए हैं। साईं बोरा भी मेरे को भी बताओ। सो फ्रेंड्स, हम अपने रूम से निकल चुके, चलते हैं मार्केट की तरफ, के लिए आपको कहते हैं मार्केट की तरफ से, ओके। लो जी, साईं का शुरू हो गया। और भाई फ्रेंड, जैसे हम लोग मार्केट में पहुंचे, साईं की शॉपिंग शुरू, साईं ने जूस ले लिया। और भाई फ्रेंड्स, हम लोग इस टाइम बट्टाकोपर पहुंच चुके हैं, और मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हर जगह की बताती रहूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी वाले मूड में हूँ, ठीक है। तो मम्मी गिरा भी आ रहे हैं, मम्मी गिरा मिलेंगे हमारे को परी कॉलोनी में। तो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास तक, ठीक है, क्योंकि गाड़ी हमने परे पार्किंग में लगाई हुई है। तो आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को व्यू, जहाँ से हम लोग गाड़ी के पास के लिए जा रहे हैं, ठीक। फ्रेंड्स, यहाँ पर साईं और साईं के पापा आगे चल रहे हैं, और यह है यहाँ के आसपास का व्यू। बात करूँ तो ये देखो, आज बादल छाए हुए, बारिश भी आ सकती है, बारिश भी आ सकती है आज, है ना। थोड़ी देर के बाद आप लोग से मिलते हैं। हम लोग पंखा घाटी में, और ये देखिए यहाँ पर आ गए हम पेस्ट्री खाने के लिए, और साईं खाने पेस्ट्री। तो भाई फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हुए, साईं को दिखे बहुत सारे केक और पेस्ट्रियाँ, और साईं जिद करने लगा, बोलते मुझे पूरा केक लेना है। और ये है इस होटल का अंदर का व्यू, बहुत सुंदर व्यू है, और सच में खाना पीना भी बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पे। कितनी सुंदर सी प्लेस है ना। हाय मदर, और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद सब साथ हैं। पता फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग ना पंथा घाटी के रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मुझे थोड़ा रेस्ट करते हैं, साईं को दवाई भी खिला देना। चलिए, मैं कहा थोड़ी सी चाउमीन खाई जाए, यहाँ की चाउमीन काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस होटल है यहाँ का, है ना। ये यहाँ का नाम है टेस्ट बर्ड, तो आप लोग कभी आइएगा, जरूर खाइएगा, बहुत टेस्टी मतलब स्वीट्स मिलती है यहाँ पर, और चाउमीन बर्गर सब कुछ मिलता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, मेरा खा लेते।
और देखो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी आ चुकी है चौमी और ये बटर स्कॉच खा रही है मधु साइका। मम्मी बिजी है अभी सोचने में। और हाय सायू। हेलो भाई। तो भाई फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी चौमिन का ऑर्डर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं सबके लिए कर रही थी चौमिन सर्व क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आए हुए थे, साइन थोड़ा सा बीमार था तो अब इसको दवाइयाँ दवाइयाँ दे दी है ना, तो थोड़ी इसकी तबीयत ठीक होगी, बेटर फील कर रहा है। तो सोचा मैं सब चौमिन खा लेते हैं क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने मार्केट जाना है, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर साई को समझा रहे साई के पापा, भाई तो ज़िद मत किया कर। एक्चुअली मैं इसको बाहर का खाने के लिए मना किए पर ये ज़्यादा ही ज़िद करने लगा। और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ से इस तरह का व्यू है कुछ ना। तो साई के पापा हर बार की तरह साई को खिलाने में व्यस्त है। और यहाँ पर मैं मम्मी गिर से पूछ रही थी, भाई मैं कैसी बनी है चौमिन? तो सीरियसली आपको शक्ल देख के भी लग ही रहा होगा चौमिन की कि बहुत टेस्टी चौमिन थी यार। कभी आओ ना आप शिमला तो ज़रूर खाना यहाँ पर। और अब बारी है जी मेरा बाइट खाने की, क्योंकि मैं ना यार सच में वीडियो बनाने में ही रह गया थी, इसलिए तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती हूँ। फिर मेरे को पता ही नहीं चलता कि मतलब हम घूमने भी गए थे, बट सोचा ब्लॉग बनाया ही जाए। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं और इतना सुकून है ना फ्रेंड्स इस रेस्टोरेंट में। कभी आप आओ ना शिमला तो यहाँ पर ज़रूर बैठना, आपको बैठने के लिए भी एक अच्छी साइड मिलेगी और खाने के लिए भी हर चीज़ ना यहाँ की बहुत अच्छी, चाहे स्वीट्स है चाहे खाने की कोई चीज़ ले लो आप, एवरीथिंग इज़ गुड। तो मेरे कहने पर कभी आप शिमला आओ तो ज़रूर यहाँ पर बैठना। और फैमिली के साथ बैठ के तो यार वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी वक्त के बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ थी तो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी मैं। अब खाना खुना खाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग बैठ गए थे बस में और अजय चले गए थे काम, उनको ज़रूरी काम था तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बाज़ार जाओ घूमने और हम लोग इस वक्त बस में बैठे हुए हैं। सो भाई फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग शिमला पहुँचे तो हम आ गए थे यहाँ पर थोड़ा सा सामान खरीदने, मेकअप का मतलब कुछ लेना था हमें सामान ना, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह लेनी थी और लिप लाइनर वगैरह लेने थे। पहले खुद बोल रही थी बट इतना शोर यहाँ पर था कि मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया। और भाई फ्रेंड्स ये है हमारे लोअर बाजार का सीन। तो भाई फ्रेंड्स इस टाइम हम लोग हैं अपने मॉल रोड पे शिमला के शेर पंजाब के पास और अब हम लोग जा रहे हैं भांसी पार्क के लिए। वहाँ पर बैठ के हम खाएंगे बर्गर, चीज़ बर्गर, ठंडा पियेंगे और बहुत कुछ खाएंगे। बहुत दिनों के बाद निकली हूँ, कोई भी शॉपिंग कर रही मैं नहीं आप लोगों से शेयर कर पा रही क्योंकि बहुत रश है आज संडे मार्केट की वजह से ना। और भाई फ्रेंड्स हर बात की तरह हम यहाँ पर आ गए चीज़ बर्गर लेने के लिए। जब भी हम आते हैं तो यहीं से आती है हमारी चीज़ बर्गर शॉप का, मेरे को पता नहीं है सोचा थोड़ी सी वीडियो में बना लूँ और आप लोग साथ शेयर कर दूँ। और चलिए फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप यहाँ का व्यू जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए अभी बताते हैं। और भाई फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चौमिन पार्क, यहाँ पर जाकर चाय साथ में देखो यहाँ पर बर्गर और साथ में बिस्लरी ले ली है। यहाँ पर बैठे खाए जाएंगे बहुत थकावट है, आज संडे मार्केट भी है ना, संडे वाला दिन है तो संडे मार्केट से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मार्केट में।